Hang him from the yard, arr. तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बड़े दिनों के बाद जो है आज वीडियो मैं डाल रहा हूँ। करीब 20-21 दिन हो गए मेरे को वीडियो नहीं डाले हुए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। तो अब मैं कोशिश करूँगा हर 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड करने की। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रॉफी रूम पर शूट, और जो कि हमें बहुत सारे ढेर सारे लेवल देता है। और ये परसूट मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है 85 लेवल का हो चुका हूँ, और मैं ग्रिफिन टैम करने के लिए गया था ग्रिफिन माउंटेन पे। लेकिन 85 लेवल का होने के बाद भी जो है ग्रिफिन मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। ग्रिफिन रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब हम 85 लेवल के थोड़ा सा ऊपर हो, 86 लेवल के हो, तभी हमारा जो ग्रिफिन रिस्पेक्ट करता है। तो अब करते हैं ट्रॉफी रूम परसूट। तो इसमें हमें पहले पेडिस्टल लगाने होते हैं ऐसे वाले। तो पहले 6 हमें पेडिस्टल लगाने हैं, आर्टिफैक्ट पेडिस्टल। तो इस परसूट को करने से हमें मिलते हैं कम से कम 10 लेवल आपको मिल जाएंगे इस परसूट को करने से। तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे लेवल मिलते हैं, और वो भी तब मिलते हैं जब जो है हम हाई लेवल के हो जाते हैं। तो मैं अभी 85 लेवल का हूँ, तो देखते हैं हमें कितने लेवल मिलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस आर्टिफैक्ट पेडिस्टल में हमें जो हमारे 6 केव होते हैं आर्क मोबाइल में, 6 के 6 केव के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं मुझे इसमें लगाने हैं। तो मुझे एक ये है ट्रॉफी माउंट, इसमें हमें एक ट्रॉफी लगानी होगी, वो हम बाद में बताएंगे किसकी ट्रॉफी लगेगी इसके अंदर। और ये करीब 30 लेवल तक ये दोनों चीज़ शायद खुल जाती है, आर्टिफैक्ट पेडिस्टल भी आपका मतलब उस ऑप्शन आ जाएगा अनलॉक करने का, और ये ट्रॉफी वॉल माउंट का भी। और जितने भी आपके परसूट्स होते हैं वो उतना लेवल नहीं देंगे जितना ये लेवल ये अकेला परसूट दे देगा। वो आप सारे परसूट मिला के कर लोगे ना, फिर भी इतने लेवल नहीं देंगे वो सारे परसूट जितना ये एक परसूट दे देगा। और तो पहले आपको हम दिखा देते हैं ये आर्टिफैक्ट पेडिस्टल और ट्रॉफी वॉल माउंट कौन से लेवल पे खुलता है। तो 22 लेवल पे जो है ट्रॉफी वॉल माउंट खुलता है, और 25 लेवल पे है जो आपका आर्टिफैक्ट पेडिस्टल खुलता है। अगर भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेवल चाहिए तो बूस्ट चला के ही जो है परसूट करना डी ट्रॉफी रूम, बिना परसूट के करोगे तो घाटे में चले जाओगे। इसलिए जो है मैं एक रेसिपी बना रहा हूँ जिससे मेरे को 50% जो है बूस्ट मिल जाएगा, जितना भी मैं जितना बूस्ट चलाऊंगा उसका 50% और बढ़ जाएगा। तो इसकी रेसिपी जो है ये है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 वूली राइनो के हॉर्न, और 2 रोग कैरेट, 2 लॉन्ग ग्रास, और 2 सेवर रूट, और 2 सिट्रोनल, और 1 ब्लैक पल चाहिए, 10 मेजोबेरी चाहिए, और वाटर स्क्रीन चाहिए। तो इसका जो टाइमिंग है 20 मिनट तक ही है, और प्लस 50% एक्सपीरियंस गेन है। तो ब्रोथ ऑफ इलाइंटेनमेंट इसका नाम है, सर्च मार लेना आप डोडोडेक्स में। और हमारा जो है रेसिपी भी तैयार ही हो गया है। तो हो चुका तैयार हमारा रेसिपी, ये रहा। तो गाइज अब करते हैं हम नॉलेज ऑफ फोरबियर्स जो परसूट होता है वो चालू करते हैं, जिससे हमें एक्सप्लोरर नोट मिलता है, तो उससे जो हमें 2x बूस्ट मिलेगा। तो करते हैं इसको हम चालू, ये रहा नॉलेज ऑफ फोरबियर्स। तो करते हैं इस परसूट को स्टार्ट और चलते हैं। ये 1 किलोमीटर दूर है एक्सप्लोर नोट। तो आ चुके हैं हम अपने नोट के पास, और ये रहा हमारा एक्सप्लोरल नोट, और इससे हमें जो है 2x बूस्ट मिलेगा, डोडोक्रस का डोजर मिला है हमें। तो अब चलते हैं घर। तो आ चुका हूँ मैं घर पे, और यहाँ पे सेफ स्टेशन मैंने कुछ लिया था सेफ स्टेशन में से। तो अब परसूट करने से पहले जो है मैं ये कॉलर चेन पहन लेते हैं, इससे भी थोड़ा हमें बूस्ट मिलता है। और ये जो हमने रेसिपी बनाया था इसको भी खा लेते हैं, और फिर हमें एक और बूस्ट चलाना है जो कि ये रहा, इसका नाम है इंटेंस फोकस। इससे हमें जो है 3x बूस्ट मिलता है, जो कि ये 35 एंशियंट टैम्बर का होता है। तो अब करते हैं 15x बूस्ट जो है हमारा चल चुका। तो अब हमें जो है परसूट चालू करना है ट्रॉफी रूम। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रॉफी रूम परसूट। तो हो चुका है स्टार्ट, अब हमें करना है इन 6 के 6 पेडिस्टलों में आर्टिफैक्ट लगाने हैं, 6 के 6 केवों के,
तो ये नाम बता रहा है मुझे इस मतलब पेडिस्टल में पहले ये लगाओ, ये वाला केव का आर्टिफैक्ट। मुझे जो आर्टिफैक्ट के नाम तो याद नहीं, देख देख के लगाते हैं। अब तीन और लगाने हैं बस। और इस जो है इस परसूट को करने के लिए हमें जो है रैक्स की ट्रॉफी भी चाहिए होती है, बिना रैक्स ट्रॉफी के तो ये परसूट होगा ही नहीं। तो सब जो है मैंने एक गड़बड़ी कर दी है इसमें, कि मैंने इम्यून वाला जो है पहले ही लगा दिया मैंने इनके बताने से पहले ही, और ये रैक्स ट्रॉफी भी मैंने पहले ही लगा दिया है, तब इनको मिल नहीं रहा है इन परसूट वालों को रैक इम्यून ट्रॉफी। तो इन आप पेडिस्टल पे ही घूमते हैं, शायद मिल जाए इनको। हमने तो सारे आर्टिफैक्ट लगा दिए हैं पर इनको नहीं मिल रहा है। चलो हो चुका है, अब अल्फा रैक्स की ट्रॉफी कह रहा जो कि हमने लगा दी है, और अल्फा रैक्स मतलब अल्फा रैक्स की ट्रॉफी हमें अल्फा रैक्स को मारने पे मिलती है। और अल्फा रैक्स कैसे फाइंड करें, तो भाई स्नो में ज़्यादातर अल्फा रैक्स मिलते हैं, जाओ स्नो में। और हमारा जो है परसूट भी कंप्लीट हो चुका है, लेवल भी मिले हैं हमें कुछ, तो देखते हैं कितना लेवल मिला है। तो 9 लेवल मिले, 9 लेवल कम नहीं होता। मैं 85 लेवल का हूँ, तो 9 लेवल प्लस करेंगे तो 94 लेवल का हो चुका हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा लेवल होते हैं गाइज 9 लेवल भी। तो इस परसूट को ज़रूर करो अगर आपका ऑप्शन आ रहा है परसूट का, वो भी मैंने इस परसूट को जो करा 85 लेवल पे, जो कि बहुत ही सारा ज़्यादा एक्सपी मांगता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा जो 60-70 लेवल के बाद जो है बहुत मुश्किल से लेवल बढ़ते हैं। और ये सीधा 9 लेवल इसने हमें एक परसूट ने 9 लेवल पकड़ा दिए एक बार में ही। 4 लेवल और रह चुके हैं, इधर उधर मैं डाल रहा हूँ, मुझे मूवमेंट स्पीड कम में डालना है ये लेवल, क्योंकि जो है मैं डंजन करूँगा इसलिए मेरे को बहुत चाहिए मूवमेंट स्पीड की ज़रूरत है और वेट की भी ज़रूरत है। और जो है मैं डंजन की भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जिस सर्वर में मैं खेलता हूँ उस सर्वर में जो है मेरे वेपन्स गोल है मतलब गुम हो गए हैं, तो इसी वजह से मैं डंजन की वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। और ये जो ट्रॉफी रूम पर सूट है मैंने इसलिए करा है क्योंकि मुझे ग्रिफिन टाइम करना, बहुत जल्दी ग्रिफिन टाइम की वीडियो भी आएगी। 85 लेवल पे ही वैसे मैं कर लेता ग्रिफिन टाइम, लेकिन मेरे को रिस्पेक्ट वाला ग्रिफिन मिला ही नहीं, तो इसलिए जो है मैंने पर सूट किया जिससे सभी ग्रिफिन मेरा जो है रिस्पेक्ट करेंगे। और ये पर सूट एक और कारण है पर सूट करने का, क्योंकि इसमें जो है इंडस्ट्रियल कुकर खुल चुका है मेरा, 89 लेवल पे इंडस्ट्रियल कुकर खुलता है। और इंडस्ट्रियल कुकर तो आपको पता ही होगा कितना यूज़फुल होता है, कुकिंग पॉट जैसा इंडस्ट्रियल कुकर। तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।